बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 आपके पास है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल वर्ल्ड का मतलब क्या है? पॉलीनोमियल वर्ल्ड जो है, पॉली प्लस नोमियल, पॉलीनोमियल वर्ल्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपके पास क्या है? पॉली। दूसरा आपके पास क्या है? नोमियल। जो वर्ड पॉली है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। पॉली क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। और जो नोमियल है ये लैटिन वर्ड है। नोमियल क्या है? लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है पार्ट और टर्म। तो पॉलीनोमियल क्या है? जिसमें हमारे पास मैनी पार्ट या मैनी टर्म होंगे। तो लफ्जी मतलब क्या आजकल ले सकते हैं? मैनी टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाय वर्ड या बाय नेम इसका क्या मतलब बन सकता है? मैनी टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलीनोमियल कहलाता है। पॉलीनोमियल टाइप ऑफ अलजेब्रा है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर हमने बात किया है टर्म की और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। मैं एक दफा एक छोटा सा उसको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि टर्म क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं और लिटरल्स के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जस्ट जनरल एक डिफाइन करूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? अलजेब्रा के साइन और सिंबल से मिलकर बनता है। वहां आप लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में सॉल्व करते रहे हैं, 2x plus 3y। अब ये आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे हमारे पास, 3x square minus 4x plus 5। ये भी आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? ठीक है, दो नंबर दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, वो नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब इसमें देखें, ये थ्री जो आपके पास है, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये टू, ये थ्री, ये सारे आपके पास क्या हैं? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक खास फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसमें देखें, एक्स वाई, यहां ये एक्स, ये सारे आपके पास क्या हैं? ये सारे आपके पास
मैं ये बात लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आपके पास वो अल्फाबेट थे लिटरल्स वो अल्फाबेट होते हैं जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी की एग्जांपल मैं ले लेता हूं 3x² - 4x + 5। अगर इसको हम अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिखें तो मैं इसको क्या लिखूंगा ax² - bx + c। अब ये जो a b c ये देखिए सारे 3, 4, 5 की जगह आ रहे हैं ना, ए बी और सी 3, 4 और 5 की जगह आ रहे हैं, 3, 4 और 5 कांस्टेंट है, तो ये सारे आपके पास क्या हो गए? लेटर्स हो गए। वो कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट, सॉरी वो वेरिएबल जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की जगह यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट क्या होता है? देखें आपके पास मैं वैल्यू लिखता हूं 3x². अब x तो आपके पास वेरिएबल है, 3 एक रियल नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर होते हैं जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया? जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है तो उसे खास नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? उसे हम कोएफिशिएंट का नाम दे देते हैं। अब यहां जिस तरह से 3x² + 4y + 7, इसमें बताएं कितने कोएफिशिएंट है आपके पास? इसमें आपके पास 3 कोएफिशिएंट है, 2 है, 1 है, कितने? अभी बता चुका हूँ वेरिएबल के साथ आने वाले कांस्टेंट या वो नंबर जिनके साथ वेरिएबल हो वो आपके पास क्या होते हैं? वो आपके पास कोएफिशिएंट होता है। देखिए अगर दो नंबर है ना जिनके साथ वेरिएबल आ रहे हैं तो 3 और 4 आपके पास क्या है? ये आपके पास कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया। अब हम अलजेब्रा पॉलीनोमियल को डिफाइन करते हैं। ये तो था वो प्रीवियस नॉलेज जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ था, एक दफा रिवाइज कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने इधर इस्तेमाल करनी है। एक चीज अभी रह गई है और वो है टाइप। ठीक है, डिफरेंट टर्म क्या है? देखिए मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2x² + 3y + 10। डिफरेंट अलजेब्रिक वैल्यू जब आपस में प्लस या माइनस में ऐड होते हैं तो वो एक्सप्रेशन बना देते हैं। ये सेपरेट वैल्यू, ये वाली 2x, 3y, 7, ये सेपरेट वैल्यूज किसको जाहिर करती हैं? टर्म को जाहिर करती हैं। तब 2x क्या है आपके पास? एक टर्म है। 3y क्या है? एक टर्म है। 7 क्या है? ये भी आपके पास एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म है आपके पास? इस पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास 3 टर्म। तो टर्म के बारे में पता चल गया, प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होने वाली अलजेब्रिक वैल्यूज क्या होती हैं? टर्म होती है। अब पॉलीनोमियल को डिफाइन करते हैं। लफ्जी मतलब तो आपको बता दिया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है पार्ट्स और टर्म। तो पॉलीनोमियल क्या हो गया? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसकी बहुत ज्यादा पार्ट्स या टर्म होती है। तो उसको भी डिफाइन करते हैं। अब पॉलीनोमियल
A polynomial expression or simply polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in which power of exponent is in which power or exponent of variable is always positive. देखिए polynomial को क्या आपने define किया, polynomial expression या simply polynomial एक ऐसा जनरिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म हो सकती है या एक से ज्यादा टर्म हो सकती है। उसकी कंडीशन क्या है? पॉलीनोमियल हर एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब पॉलीनोमियल होगा जब उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलीनोमियल है, जिसकी पावर पॉजिटिव नहीं है वो आपके पास पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं डिग्री की, बल्कि एग्जांपल इसकी दे देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर आपके पास पॉलिनोमियल है। क्यों? अभी हमने क्या बात किया, पावर पॉजिटिव, पावर होल नंबर जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, टू, इसकी पावर वन, तो पावर आपके पास पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो टर्म भी इसमें एक से ज्यादा है, एक भी हो तब भी पॉलीनोमियल है, एक्स की पावर टू ये भी पॉलीनोमियल है। ठीक है, वन टर्म पॉलीनोमियल है, ये आपके पास थ्री टर्म पॉलीनोमियल है। इसी तरह से यहाँ का जो देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये आपके पास टू टर्म पॉलीनोमियल है। तो पॉलीनोमियल होने की कंडीशन आपके पास बाय डेफिनेशन ये आ रही है कि पावर उसकी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया है उसकी पावर पॉजिटिव होगी, यानी पॉलीनोमियल जितनी भी होंगे वो हमारे पास पावर उनकी कोई ना कोई होगी, कभी इसकी पावर जीरो होगी, कभी वन होगी, कभी टू, कभी फाइव और सिक्स भी होगी। तो पॉलीनोमियल की या पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, अब हम उसको मान डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल is degree of highest degree of an algebraic expression। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म सबसे ज्यादा पावर वाली आ रही होगी वो। अब आपके पास मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2x3 plus 4x2 y5 plus 6। अब देखें ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है, तुम सबकी पावर पॉजिटिव है, पॉलीनोमियल है। अब हमने देखना है कि इसकी डिग्री, तो जो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी पावर्स को ऐड करके करनी है। अगर आपके पास एक
टर्म में तीन वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों की पावर जेड करेंगे, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर जेड करेंगे, जो आपके पास मल्टीप्लाई होने वाले वेरिएबल दोनों उनकी पावर ऐड करेंगे तो जो कॉमन पावर बनेगी वो आपके पास उसकी डिग्री है। अब यहाँ देखिए इधर एक टर्म पहले 2x3 है, इधर x की पावर कितनी है 3, फर्स्ट टर्म की तो 3 है, सेकंड टर्म को आप देखेंगे इसको 4x2y5, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 5 कितना हो गया 7 हो गया, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है। तो देखें अब बात ये कर रहे थे कि इसकी डिग्री आपके पास कैसे आएगी जो इसकी पावर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, तो अब इसकी पावर देखें आपके पास 2 और 5 ऐड होगी कितनी हो गई 7 हो गई, तो ये जो पूरी टर्म ये सॉरी पूरा जो एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो आपके पास कितनी होगी ये आपके पास 7 होगी। हमेशा याद रखें पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर जो टर्म की हाईएस्ट पावर होती है ना वो पास सिंगल हो या डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने यानी उनकी पावर ऐड करने के बाद वो आपके पास होगी। अब इस तरह से यहाँ देखें यहाँ दो वेरिएबल को ऐड किए उनकी कॉमन पावर 7 बनी है, तो यही आपके पास इसकी क्या है डिग्री है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो रूट डिस्कस करेंगे जिस पर किसी एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।